हाउ आर यू बच्चों, आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट के बताने जा रहे हैं वेस्ट मटेरियल में से पपेट स्टैंड या फ्लावर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की। हमने यूज़ किया यहाँ पर पेपर जो कि कलरफुल है, आप इसे डिज़ाइन वाले पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बॉक्स है या टॉयलेट पेपर का रोल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल कोई भी। मैंने यूज़ किया है यहाँ पर एक ग्लास जो वेस्ट ग्लास है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ग्लास को हमें दोनों तरफ से फेविकोल लगाना है। आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे इसको ऊपर के हिस्से से ऊपर की तरफ से फेविकोल लगा रही हूँ, फिर हमें नीचे की तरफ से भी फेविकोल को लगाते जाना है। आप कोई भी कलरफुल पेपर लीजिए, आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं या डिज़ाइन या जो गिफ्ट रैपर आते हैं हमारे पास कलरफुल होते हैं डिज़ाइन वाले, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने दोनों तरफ से ये ग्लास को फेविकोल लगाया है, अब हमें इसे इस पेपर पे स्टिक करना है। आप देखें हमने ये स्टिक किया है, हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। पेन स्टैंड है थोड़ा एट्रैक्टिव लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आइस पहले से ही मैंने रेडी रखे थे स्टिक, इसे यहाँ स्टिक कर रहे हैं। दोनों भी आइस को आप नीचे की तरफ फेविकोल लगा के यहाँ स्टिक कीजिए इस तरह से। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रेडी रखा हुआ है पेन स्टैंड, आप देख सकते हैं, आप इसे आप इसके फेस बना सकते हैं और इस तरह से ये पेन स्टैंड है। और जो एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने और एक पेन स्टैंड यहाँ दिखाया, यहाँ पर आप कोई भी मटेरियल यानी जैसे कि लेस है या घर का कोई पुराना कपड़ा हो जो डिज़ाइन वाला वो आप स्टिक कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर बॉक्स है जिसे आप अलग अलग डिज़ाइन कलर से डिज़ाइन करके आप फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, वेस्ट मटेरियल में से बेस्ट बनाना है। आप पेपर पेन स्टैंड बनाइए या फिर फ्लावर पॉट बनाइए। ओके बच्चे, तो आपको ये बना के नंबर हमारे नंबर पे सेव करें।